अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सर्वोपरि है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज दो बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरे, जो आप सब लोग जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पिछले 2-2.5 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सब पास हो चुका है। 70,000 कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट, और अब 8 जून से वो कैमरे लगने चालू हो जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक ये सारे कैमरे, अभी अभी मैंने मीटिंग ली है सारे ऑफिसर्स की, इसके अलावा 1,40,000 और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा। तो लगभग 2,80,000 टोटल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे, जिनके लगने का काम 8 जून से चालू हो जाएगा। स्कूलों के अंदर अलग से कैमरे लग रहे हैं, 1.5 लाख कैमरे। सारे सरकारी स्कूलों के अंदर कैमरे लगना शुरू हो चुका है, और नवंबर तक सारे कैमरे लगकर तैयार हो जाएंगे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक आम आदमी के घर से जब एक उसकी बेटी या उसकी पत्नी या बहन घर से बाहर निकलती है सुबह नौकरी के लिए या कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो एक परिवार के लोगों का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सही सलामत वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज़्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। जो सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेज करेंगे जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके, लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाहते हैं। एक ईमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूँ, delhiwomensafety@gmail.com, और एक एड्रेस है chairman DDC 33 श्यामनाथ मार्ग Delhi 54। तो या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये 2 बड़े कदम आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए हैं। अगर आप Delhi Women, WOMEN, Women Safety@gmail.com।
नहीं, इसके लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो भी इसका खर्चा है वो दिल्ली सरकार देगी। वैसे डिटेल्ड खर्चा कितना एग्जैक्टली आएगा उसका ब्यौरा दोनों से मांगा गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस साल बचा हुआ 6 महीने बचेंगे, मान लीजिए अगस्त में या सितंबर में लागू होती है, 6-7 महीने बचेंगे, तो दोनों का मिला के 700 से 800 करोड़ का खर्चा उम्मीद है बचे हुए साल के लिए आएगा। अरविंद जी, अरविंद जी, महिलाएं सफर करती हैं मेट्रो में या 33% मेट्रो में, दोनों का डेटा है 30 से 33% है जो मेट्रो में भी और बस में भी ट्रैवल करते हैं। एक तो अभी संख्या कितनी है डीटीसी की और क्लस्टर की मिला के, और मार्शल की संख्या कितनी है, कितनी बसों में तैनात हैं इस समय? अभी डीटीसी की सारी बसों में मार्शल तैनात हैं, क्लस्टर की बसेस में नहीं है। आज ही मैंने उनको बोला कि क्लस्टर बसेस के अंदर भी मार्शल तुरंत तैनात कर दिए जाएं। और कई सारी महिलाओं को ये पता नहीं होता कि अंदर मार्शल तैनात हैं, तो अंदर पोस्टर्स भी चिपका दिए जाएंगे बसेस के अंदर कि इस बस में मार्शल हैं, अगर किसी को जरूरत है तो आप शोर मचाइए, मार्शल आप तक पहुंचेगा। संख्या कितनी है अभी डीटीसी के और क्लस्टर की मिलाकर? डीटीसी के लगभग 40 लाख की डेली की कम्यूटरशिप है, उसमें से 30% मान लीजिए, लेकिन यूनिक और कम बताएं कि मल्टीपल राइडरशिप। एक बसों की संख्या पूछ रहा हूं, बसों की संख्या नंबर ऑफ बसेस 55 हो गया। क्योंकि विरोधी भी पूछेंगे कि अभी आप चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं रहा आपके लिए, तो उसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं? पिछले 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने ढेर सारे अच्छे फैसले लिए हैं। 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने दिल्ली के लोगों की बिजली सबसे सस्ती कर दी, दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त कर दिया, दिल्ली के लोगों के स्कूल अच्छे कर दिए, अपने दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला अच्छे कर दिए, तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है। और अच्छे काम करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, तभी मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। पहले भी किराया कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई बार केंद्र पे दबाव बनाया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस वाले प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट करेगी केंद्र सरकार? नहीं, पहले हमने कहा था कि 50-50 सब्सिडी दे देते हैं। सबसे पहला तो हमारा केंद्र सरकार को निवेदन था कि आप ये किराया मत बढ़ाइए, केंद्र सरकार नहीं मानी। फिर हमने कहा भी 50-50 हम दोनों का पार्टनरशिप है, तो 50-50 सब्सिडी दे देते हैं, जितना बढ़ाया उसके लिए भी केंद्र सरकार नहीं मानी। लेकिन अब ये जो हम करने जा रहे हैं, दिल्ली सरकार अपने ऊपर किराया वो वहन कर रही है, इसके लिए हमें अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी, हम उसका मेट्रो में जरूरत पड़ेगी। सर, इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बनता है। आपने कहा कि 6 महीने बचे हैं, इसी में क्या चीज? हाँ, ये अभी इस महीने से, ये खुशखबरी है, इस महीने से बसेस आनी चालू हो जाएंगी। 25-30 बसेस इस महीने के एंड तक आ जाएंगी, नवंबर तक 1000 बसेस आ जाएंगी, उसके अगले 4-5 महीने के अंदर और 1000 बसेस आ जाएंगी, और उसके अगले 4-5 महीने के अंदर और 1000। तो मुझे लगता है कि अगले 10-12 महीने के अंदर 3000 बसेस की डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी। सर, क्या सभी में कैमरे लगे होंगे? सभी में कैमरे लगे होंगे। दो से तीन महीने के अंदर फॉर्मेलिटीज, कई सारे कैबिनेट प्रस्ताव, ये वो, अलग से बजट सेशन भी बुलाना पड़ेगा, एक सेशन बुलाना पड़ेगा इसको, बजट को वो करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर लागू हो जाएगा। वो दिल्ली मेट्रो इज मेकिंग अ प्लान फॉर दैट, वही मैंने उनको बोला है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इसका डिटेल्ड प्लान प्रेजेंटेशन दीजिए। आर दे ऑन बोर्ड ऑन दिस? यस, दे आर ऑन बोर्ड। नहीं, पर मेट्रो में तो परमिशन चाहिए होगी आपको, किसके लिए? मेट्रो में अगर इसको लागू करना है। नहीं, परमिशन की क्या जरूरत है, सेंटर की? हाँ, हम फेयर इंक्रीज नहीं कर रहे, हम तो सब्सिडी दे रहे हैं। जो कॉस्ट है दिल्ली मेट्रो की वो सरकार दे रही है, उसके लिए कोई। मैंने बताया आपको कि जो बचा हुआ साल है
उसके लिए लगभग 700 करोड़ के करीब खर्चा आना चाहिए सारा मिलाकर, सारा मिलाकर। ये प्रपोजल तो कैबिनेट का आना बजट वो सारा तो करना पड़ेगा। इससे पोल्यूशन कम होगा ना, ये जो प्रपोजल आज है इससे तो कम होगा पोल्यूशन। वो क्या है, 3000 बसें जुड़ जाएंगी तो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? 3000 बसें जुड़ेंगी तो पोल्यूशन और कम होगा, गाड़ियां कम हो जाएंगी, इतने प्राइवेट व्हीकल मोटरसाइकिल कम हो जाएगी। वो सब डिटेल्स बना रहे हैं। उनका फंड्स का अलग कारण है, ये आपको भी पता है कि फाइनेंशियल क्रंच फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी के शिकार हो गए हैं वो कॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वीसी को काम नहीं करने दे रही है वहाँ पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्निंग बॉडी फॉर्म नहीं करने दे रही है, इसलिए वो परेशानी में है। फंड क्रंच की वजह से नहीं, फंड क्रंच तो फंड तो दो मिनट में उपलब्ध हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे ना उनको यूनिवर्सिटी चलानी है कि बंद करनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पांच राज्यों के सीएम को आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है उनको बोला है, तो लेटर हम लिखेंगे और फोन पे भी बात करेंगे इसे लागू करने के लिए। तो आज हम दिल्ली मेट्रो और बसों के किराए पे इसको सर ये सब्सिडी का प्लान कैसे तय करेंगे? नुकसान में चल रही है तो वो क्या स्थिति है नुकसान, तो इसका जो भी इसका खर्चा है वो सरकार दे रही है ना, दिल्ली सरकार। ये जितना इसका खर्चा है वो तो दिल्ली सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार बियर कर रही है। हम अगर ये कहते कि भाई दिल्ली मेट्रो दिल्ली डीटीसी को ये खर्चा खुद वहन करना पड़ेगा तब गलत था, दिल्ली सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। सर सब्सिडी किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इन्वेस्टमेंट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, अगर सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाती है या उसको सब्सिडाइज करती है तो इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। अगर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है इससे तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, आज दिल्ली सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है वो हम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, वो आप ही का पैसा है। आज दिल्ली अकेली सरकार है जो कि घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है और इतनी सारी सुविधाएं दे रही है अपने लोगों को, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आज दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है। कुछ हमारे विरोधी कहते हैं कि आप तो बिजली भी फ्री कर दी, पानी भी फ्री कर दिया, ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया, स्कूल भी फ्री कर दिए, अस्पताल भी फ्री कर दिए, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। मतलब अगर ये आपका सारा पैसा हम चोरी कर लेते तो ठीक था, लेकिन हमने चोरी नहीं की, मनीष जी ने ईमानदारी की, मैंने ईमानदारी की, कैलाश गहलोत ने बसों की परचेज में पैसे नहीं खाए और वो जो पैसा बचा वो आपको फ्री बिजली दे के फ्री ट्रांसपोर्ट दे के दे दिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जो भी आना चाहे, ऑल द फीमेल्स नाउ आर विल बी फ्री, तो चाहे वो बीपीएल हो चाहे नॉन दो कदम आज मेजर उठा रहे हैं। अरविंद जी एक सवाल टेक्निकलिटी को भी लेके है कि क्या मेट्रो क्योंकि एनसीआर में चल रहा है तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा या फिर पूरे एनसीआर की महिलाओं को मिलेगा? एंड हाउ द मिसयूज विल बी प्रिवेंटेड, इज देयर अ क्लैरिटी ऑन दैट? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने मेट्रो के सामने रखे हैं और वी विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद यू, बार बार हम आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे
इस प्रपोजल की जो जो चीजें अब फाइनलाइज होती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं सभी पत्रकार मित्रों के, आप इसके ऊपर अपने ईमेल के ऊपर अपने सुझाव भेज सकते हैं। वी विल कंसीडर ऑल दोस। थैंक यू।